नमस्कार दोस्तों, वीजा गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो आपको देखना सही है। ये वीडियो आपके देखने के लिए है, बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। इससे इसको जो जो देखेगा उसको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत से दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास बहुत सारे एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें जॉब के बारे में हो, ऑफर लेटर के बारे में हो, ठीक है। तो मैं आज वैसी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और इसे कटपिट नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, उन्हें भी थैंक्स करना चाहता हूँ। और जो नहीं करना चाहते हैं या वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा आज टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जिस टॉपिक पर आज वीडियो बना रहा हूँ वो आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों मेरे पास कई दोस्तों ने ईमेल किया कि मेरा वीज़ा चेक करो, ये कनाडा से ऑफर लेटर आया है, ये सिंगापुर से ऑफर लेटर आया है, ये न्यूजीलैंड से ऑफर लेटर आया है, ये अमेरिका से ऑफर लेटर आया है, कोई होटल का ऑफर लेटर पा रहा है अमेरिका से, कोई कनाडा से ऑफर लेटर पा रहा है, तो कोई कहाँ से ऑफर लेटर पा रहा है, ठीक है। उनका इंटरव्यू भी कैसे हो रहा है, बस ईमेल के माध्यम से इंटरव्यू जाता है, एक ईमेल आता है, उस ईमेल में वो अपना नाम एड्रेस पता होता भर देते हैं, बस उनका इंटरव्यू हो गया। और इंटरव्यू होने के कुछ घंटे बाद या एक दो दिन बाद उनके पास ऑफर लेटर आ जाता है बढ़िया बन के, ठीक है, कि आपकी आपको नौकरी मिल गई है, आपके साथ में ये आपकी नौकरी मिल गई है, आपने को ये पद आपको ये जॉब मिल गई है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तमाम तरीके से ऑफ़र लेटर आते हैं। तो मैंने कई लोगों को बताया कि ये ऑफ़र लेटर आपका फेक, ये जेन्युइन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफ़र लेटर होता है वो अलग होता है, जो फेक ऑफ़र लेटर होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी बना देता हूँ एक, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि कौन सा जॉब ऑफ़र लेटर ओरिजिनल है, कौन सा फेक। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसको आप देखिए और जानिए कि कैसे पहचानते हैं कौन सा ऑफर लेटर असली है और कौन सा नकली है। क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास ईमेल पे बहुत सारे जॉब के ऑफ़र लेटर आते हैं और वो उसके चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो ऑफ़र लेटर आया है ये एक दोस्त ने मुझे ईमेल किया था, ठीक है, कि उसके पास ये ऑफ़र लेटर आया है। तो मैंने उसका ईमेल देखा, उस ऑफ़र लेटर को पढ़ा, तो मैंने उसको बताया कि ऑफ़र लेटर फेक, ठीक है। लेकिन ये ऑफ़र लेटर ऐसा है कि एक नॉर्मल आदमी अगर देखे या फिर काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी देखे उसे लगेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है और वो उसके चक्कर में पड़ जाएगा, ठीक है, और उससे यकीन कर लेगा कि हाँ ये सही है। आप खुद देखिए कि ये ऑफ़र लेटर है, ठीक है। ये कंपनी है हस्क एनर्जी, ठीक। अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है। बाकायदा एड्रेस भी दिए हैं कनाडा का, ठीक, 7007, ठीक है। फ़ोन नंबर भी दिए हैं इसमें, ठीक। ये सारा फ्रॉड है, ये फ़ोन नंबर भी फ्रॉड है, ये एड्रेस भी फ्रॉड है, ये जो ऑफ़र लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, ये भी फ्रॉड है, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ दिए हैं, रेफरेंस नंबर दिए हैं, डेट दिए हैं, कब ये इशू हुआ है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर भी दिए हैं और इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं, ठीक है। तो ये जो ऑफ़र लेटर है इसमें क्या लिखा है आप पढ़िए। डियर एम्प्लॉय लाल बहादुर पटेल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिख दिया है लाल बहादुर पटेल को ये एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक। और इसमें इन्होंने आगे क्या लिखा है, फ्यूचर डिटेल्स, ठीक है। उसमें इन्होंने लिखा है जो पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है,
और स्टार्टिंग सैलरी कितनी लिख दी है? 10,500 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड। ठीक, कि कनाडा में स्टार्टिंग सैलरी 10,500 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, ये पूरी तरह से फेक। अगर आप बाहर कनाडा जॉब करने जाते हो तो इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, जो बहुत एक्सपीरियंस जिसके पास होता है, ठीक है, और जो बहुत ही अच्छी कंपनियां होती हैं उसमें, और ये पूरी तरह से फेक। ठीक है, उसके बाद जॉब लोकेशन दिए हैं, ठीक है, वैसे ये भी दिए हैं कि ये रिज्यूम कब आया। ठीक, बाकायदा फर्जी सिग्नेचर भी है सीनियर प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसमें लिख दिए हैं कि ये ओरिजिनल है, बल्कि ये ओरिजिनल नहीं है, पूरी तरह फेक। इन्होंने जो ये सब जो लिख के रखा है नोट, ठीक है, दैट ऑल कनाडा एम्प्लॉयज रिपोर्ट, ये सब सारा फेक है, क्योंकि मैं वेबसाइट पर जाके मैंने चेक किया था। ठीक है, ये सब कुछ फेक है, ये एक फेक ऑफर लेटर है जो आया है। ठीक है, और ये फेक इमिग्रेशन का पेपर है। ठीक है, नेम, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, मैरिज डेट, ये फॉर्म दिया था उसको फिल करने के लिए, कि इसे आप फिल करके हमें दीजिए। ठीक है, ये भी फेक है। और ये एम्प्लॉयमेंट लेटर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिपार्टमेंट कनाडा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, मतलब तो ये भी फ्रॉड है। अब इसमें इन्होंने सारा चीज़ दे दिया है, ये ऑफ़र लेटर है कि इनको हर साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है, और 10,500 इनकी सैलरी रहेगी कनाडियन। ठीक है, और अगर एम्प्लॉय कहीं बाहर जाता है तो उसे 1200 उसे फ़्लाइट मिलेगा, टिकट मिलेगा, ठीक है, फूड और हॉलीडे, ठीक, एकोमोडेशन, ठीक, ये सारा सब चीज़ एक एग्रीमेंट के तौर पे इन्होंने दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो मोहर लगी है ये भी फेक है, और ये भी फेक। ठीक है, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने सारा चीज़ मेंशन कर रखा है। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इतना कुछ इसमें दे रखे हैं कि 50 डॉलर आपको खाने का मिलेगा पर डे, ये और इतनी आपकी सैलरी है, आप जब जाओगे तो आपको एयर टिकट मिलेगा, इतना आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है, और 8 घंटे आपका काम करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बना के दी है। ठीक है, इसको पकड़ना कैसे, पकड़ने के लिए मैं बताता हूँ, सबसे आसान तरीका है, ये जॉब का ऑफ़र लेटर आपके पास आ गया, ऑफ़र लेटर आने के बाद वो आपको ये ऑफ़र लेटर भेज देंगे, उसके बाद कहेंगे कि हमारे लोग एम्बेसी में हैं, ठीक है, आपका वीज़ा फ्री है, आपका टिकट फ्री है, आपका वीज़ा फ्री है, आपका टिकट फ्री है, आपका सब कुछ फ्री है, ठीक है, रहना खाना सब कुछ फ्री है, बस आपको 200 डॉलर पे करने हैं या 300 डॉलर पे करने हैं, 400 या 500 के अंदर ही वो कहेंगे आपको डॉलर पे करना है। ठीक, आप पूछोगे ये डॉलर किस लिए है, तो वो लोग बताएंगे कि ये डॉलर आपको पे करना है, कि वहाँ से आप एम्बेसी में बताएंगे कि आपको एम्बेसी में पे करना है, कुछ तो ये कहेंगे, कुछ कहेंगे कि आपका वो सारा कागज़ मेंटेन हो गया, उससे वहाँ से कोरियर करेंगे, ठीक है, उस कोरियर का चार्ज DHL से आएगा, किससे आएगा, ठीक है, उसका चार्ज पड़ेगा, वो आपको अकाउंट नंबर देंगे, कहेंगे इसमें आप लगा दीजिए, ठीक, लेकिन वो सब कुछ फ्रॉड है। ठीक है,
अब इतनी बड़ी कंपनी का नाम, ठीक है, कोई कोको कोला से ऑफर लेटर आ रहा है तो कोई किस कंपनी से, आप पेप्सी से ऑफर लेटर आ रहा है, ठीक है, तो कंपनी अगर आपको वर्क वीज़ा दे सकती है, फ्लाइट का टिकट दे सकती है जो इतना महंगा है, तो क्या वो आपको आपको वहाँ से जो कोरियर से वीज़ा भेजेगा, ठीक है, या जो फ्लाइट का टिकट दे रहा है, आपको रहने का दे रहा है, आपको इतनी ज़्यादा सैलरी दे रहा है, तो वो क्या आपको वीज़ा नहीं करा सकता है? ठीक है, सोचने वाली बात है। ठीक, तो पहली चीज़, आपके पास कोई भी जॉब ऑफर लेटर आता है और आपसे वो $1 भी मांगता है, ₹1 भी मांगता है, तो आपको उसे नहीं देना है, क्योंकि जो ओरिजिनल कंपनियां होती हैं, जेन्युइन कंपनियां होती हैं, वो एक भी पैसे की डिमांड नहीं करती हैं। ठीक है, और जो फेक कंपनियां होती हैं और जो फेक लोग होते हैं, ठीक है, वो पैसा मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर 10 कैंडिडेट से $100, $200 ले लिया तो उनका अच्छा खासा बन गया। ठीक है, और ये कौन लोग हैं? ये नाइजीरिया, अफ्रीका से बहुत ऐसे लोग हैं जो बढ़िया इंग्लिश जानते हैं और वो अमेरिका या फिर कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा लेके बैठे हुए हैं, और उन्हें पता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग एम्प्लॉयड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनका ओवरसीज का बहुत ज़्यादा सपना है, हर कोई चाहता है मैं कनाडा जाऊँ, हर कोई चाहता है मैं फिनलैंड जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ काम करने के लिए। ठीक है, और उन्हें ये भी पता है कि ये बहुत मोटी रकम तक पे कर देते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए, अमेरिका के भी 15 से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। ठीक है, जो भारत, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग हैं, या अपना घर खेत बेच के बड़े से बड़ा, ठीक है, अमाउंट पे कर देते हैं बहुत ही ईजी। ठीक है, कि हाँ उनको अमेरिका में जॉब मिल जाएगी तो वो इतना कायम कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, फिर उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। ठीक, तो किसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया वाले, इंडिया इंडिया या फिर भारत या पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो मिले रहते हैं उनसे, और कुछ होते हैं जो वहीं से टोटल मिले रहते हैं। तो ये लोग एक ग्रुप बना के, ठीक है, एक ग्रुप बना के ये लोग भेजते हैं ऑफर लेटर, ठीक है, और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, और पब्लिक को परेशान करते हैं, जो लड़के अभी अभी स्टडी कंप्लीट करके बाहर निकले हैं उनको परेशान करते हैं, और उनसे ऑफर लेटर दिखा के उनसे पैसा मांगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी कोई भी ऑफर लेटर आता है, चाहे वो ओरिजिनल हो या फेक हो, उससे आप पूरी तरह से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद ही उस पर कोई डिसीजन लीजिए, और अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो समझ लीजिए पूरी तरह से फ्रॉड है, और उसको आप, मेरे हिसाब से तो उसको $1, $1 नहीं देना चाहिए। जिसको नौकरी देना होगा वो फ्री में देगा। ठीक है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आप पता कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, वो एक भी पैसा नहीं लेती हैं। आपको अगर अप्लाई करना है, बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं, कतर एयरवेज, ठीक है, वो सब कोई पैसा नहीं लेती हैं, फ्री अप्लीकेशन है और आपको सारा प्रोसेस आपका फ्री में रहता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो पे कर दिया है वो कभी पे ना करें। ठीक है, और ऐसे स्कैम और फ्रॉड से बचें। ठीक है दोस्तों, और फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई आपको इंक्वायरी करनी है वीज़ा के बारे में या फिर कोई और क्वेश्चन जॉब के बारे में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, तो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो वीडियो बनाया है वो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आप ऑफर लेटर से बच सकते हैं, आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, वीजा गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त आशीष। दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ,
ये वीडियो आपको देखना सही है। ये वीडियो आपके देखने के लिए है, बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। इससे इसको जो जो देखेगा उसको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत से दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास बहुत सारे एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें जॉब के बारे में हो, ऑफर लेटर के बारे में हो, ठीक है। तो मैं आज वैसे ही एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और इसे कट पिट नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, उन्हें भी थैंक्स करना चाहता हूँ। और दोस्त नहीं करना चाहते हैं या वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा आज टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जिस टॉपिक पर आज वीडियो बना रहा हूँ वो आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों मेरे पास कई दोस्तों ने ईमेल किया कि मेरा वीज़ा चेक करो, ये कनाडा से ऑफर लेटर आया है, ये सिंगापुर से ऑफर लेटर आया है, ये न्यूजीलैंड से ऑफ़र लेटर आया है, या अमेरिका से ऑफ़र लेटर आया है, कोई होटल का ऑफ़र लेटर पर आ रहा है अमेरिका से, कोई कोई कनाडा से ऑफ़र लेटर पर आ रहा है, तो कोई कहाँ से ऑफ़र लेटर पर आ रहा है, ठीक है। उनका इंटरव्यू भी कैसे हो रहा है, बस ईमेल के माध्यम से इंटरव्यू हो जाता है, एक ईमेल आता है, उस ईमेल में वो अपना नाम एड्रेस पता होता भर देते हैं, बस उनका इंटरव्यू हो गया। और इंटरव्यू होने के कुछ घंटे बाद या एक दो दिन बाद उनके पास ऑफर लेटर आ जाता है बढ़िया बन के, ठीक है, कि आपकी आपको नौकरी मिल गई है, आपके साथ में ये आपकी नौकरी मिल गई है, आपने को ये पद आपको ये जॉब मिल गई है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तमाम तरीके से ऑफ़र लेटर आते हैं। तो मैंने कई लोगों को बताया कि ये ऑफ़र लेटर आपका फेक, ये जेन्युइन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफ़र लेटर होता है वो अलग होता है, जो फेक ऑफ़र लेटर होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना देता हूं एक, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि कौन सा जॉब ऑफर लेटर ओरिजिनल है, कौन सा फेक। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं जिसको आप देखिए और जानिए कि कैसे पहचानते हैं कौन सा ऑफर लेटर असली है और कौन सा नकली है। क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास ईमेल पे बहुत सारे जॉब के ऑफ़र लेटर आते हैं और वो उसके चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो ऑफ़र लेटर आया है ये एक दोस्त ने मुझे ईमेल किया था, ठीक है, कि उसके पास ये ऑफ़र लेटर आया है। तो मैंने उसका ईमेल देखा, उस ऑफ़र लेटर को पढ़ा, तो मैंने उसको बताया कि ऑफ़र लेटर फेक, ठीक है। लेकिन ये ऑफ़र लेटर ऐसा है कि एक नॉर्मल आदमी अगर देखे या फिर काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी देखे उसे लगेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है और वो उसके चक्कर में पड़ जाएगा, ठीक है, और उससे यकीन कर लेगा कि हाँ ये सही है। आप खुद देखिए कि ये ऑफ़र लेटर है, ठीक है, ये कंपनी है हस्क एनर्जी, ठीक, अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है, बकायदा एड्रेस भी दिए हैं कनाडा का, ठीक, 7007, ठीक है, फ़ोन नंबर भी दिए हैं इसमें, ठीक। ये सारा फ्रॉड है, ये फ़ोन नंबर भी फ्रॉड है, ये एड्रेस भी फ्रॉड है, ये जो ऑफ़र लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, ये भी फ्रॉड है, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ दिए हैं, रेफरेंस नंबर दिए हैं, डेट दिए हैं, कब ये इशू हुआ है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर भी दिए हैं और इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं, ठीक है। तो ये जो ऑफ़र लेटर है इसमें क्या लिखा है आप पढ़िए, डियर एम्प्लॉई लाल बहादुर पटेल, ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिख दिया है लाल बहादुर पटेल को ये एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक। और इसमें इन्होंने आगे क्या लिखा है, फ्यूचर डिटेल्स, ठीक है, उसमें इन्होंने लिखा है जो पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, और स्टार्टिंग सैलरी कितनी लिख दी है, 10,500 कैनेडियन डॉलर, ठीक है,
कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड, ठीक, कि कनाडा में स्टार्टिंग सैलरी 10,500 कनेडियन डॉलर, ठीक है, ये पूरी तरह से फेक। अगर आप बाहर कनाडा जॉब करने जाते हो तो इतनी अच्छी सैलरी मिलती है जो बहुत एक्सपीरियंस इसके पास होता है, ठीक है, और जो बहुत ही अच्छी कंपनियां होती हैं उसमें, और ये पूरी तरह से फेक, ठीक है। उसके बाद जॉब लोकेशन दिए हैं, ठीक है, और इसमें ये भी दिए हैं कि ये रिज्यूम कब आया, ठीक, बाकायदा फर्जी सिग्नेचर भी है सीनियर प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसमें लिख दिए हैं कि ये ओरिजिनल है, बल्कि ये ओरिजिनल नहीं है, पूरी तरह फेक। इन्होंने जो ये सब जो लिख के रखा है नोट, ठीक है, दैट ऑल कनाडा एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट, ये सब सारा फेक है, क्योंकि मैं वेबसाइट पर जाके मैंने चेक किया था, ठीक है, ये सब कुछ फेक है। ये एक फेक ऑफर लेटर है जो आया है, ठीक है, और ये फेक इमिग्रेशन का पेपर है, ठीक है, नेम, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, मैरिज डेट, ये फॉर्म दिया था उसको फिल करने के लिए कि इसे आप फिल करके हमें दीजिए, ठीक है, ये भी फेक है। और ये एम्प्लॉयमेंट लेटर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिपार्टमेंट कनाडा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, मतलब तो ये भी फ्रॉड है। अब इसमें इन्होंने सारा चीज़ दे दिया है, ये जो ऑफर लेटर है कि इनको हर साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है, और 10,500 इनकी सैलरी रहेगी कनाडियन, ठीक है, और अगर एम्प्लॉय कहीं बाहर जाता है तो उसे फ्लाइट मिलेगा, टिकट मिलेगा, ठीक है, फूड और हॉलीडे, ठीक, एकोमोडेशन, ठीक, ये सारा सब चीज़ एक एग्रीमेंट के तौर पे इन्होंने दिया है, ठीक है, लेकिन ये जो मोहर लगी है ये भी फेक है, और ये भी फेक, ठीक है, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने सारा चीज़ मेंशन कर रखा है, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इतना कुछ इसमें दे रखे हैं कि 50 डॉलर आपको खाने का मिलेगा पर डे, और इतनी आपकी सैलरी है, आप जब जाओगे तो आपको एयर टिकट मिलेगा, इतना आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है, और 8 घंटे आपका काम करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बना के दी है, ठीक है। इसको पकड़ना कैसा, पकड़ने के लिए मैं बताता हूँ, सबसे आसान तरीका है, ये जॉब का ऑफर लेटर आपके पास आ गया, ऑफर लेटर आने के बाद वो आपको ये ऑफर लेटर भेज देंगे, उससे बात कहेंगे कि हमारे लोग एम्बेसी में हैं, ठीक है, आपका वीज़ा फ्री है, आपका टिकट फ्री है, आपका वीज़ा फ्री है, आपका टिकट फ्री है, आपका सब कुछ फ्री है, ठीक है, रहना खाना सब कुछ फ्री है, बस आपको $200 पे करने हैं, या $300 पे करने हैं, 400 या 500 के अंदर ही वो कहेंगे आपको डॉलर पे करना है, ठीक। आप पूछोगे ये डॉलर किस लिए है, तो वो लोग बताएंगे कि ये डॉलर आपको पे करना है, कि वहाँ से आप एम्बेसी में बताएंगे कि आपको एम्बेसी में पे करना है, कुछ तो ये कहेंगे, कुछ कहेंगे कि आपका वो सारा कागज़ मेंटेन हो गया, उससे वहाँ से कोरियर करेंगे, ठीक है, उस कोरियर का चार्ज DHL से आएगा, किससे आएगा, ठीक है, उसका चार्ज पड़ेगा, वो आपको अकाउंट नंबर देंगे, कहेंगे इसमें आप लगा दीजिए, ठीक, लेकिन वो सब कुछ फ्रॉड है, ठीक है। अब इतनी बड़ी कंपनी का नाम, ठीक
ठीक है, कोई कोको कोला से ऑफर लेटर आ रहा है, तो कोई किस कंपनी से, आप पेप्सी से ऑफर लेटर आ रहा है, ठीक है। तो कंपनी अगर आपको वर्क वीज़ा दे सकती है, फ्लाइट का टिकट दे सकती है जो इतना महंगा है, तो क्या वो आपको आपको वहाँ से जो कोरियर से वीज़ा भेजेगा, ठीक है, या जो फ़्लाइट का टिकट दे रहा है, आपको रहने का दे रहा है, आपको इतनी ज़्यादा सैलरी दे रहा है, तो वो क्या आपको वीज़ा नहीं करा सकता है, ठीक है, सोचने वाली बात है, ठीक। तो पहली चीज़, आपके पास कोई भी जॉब ऑफर लेटर आता है और आपसे वो $1 भी मांगता है, ₹1 भी मांगता है, तो आपको उसे नहीं देना है, क्योंकि जो ओरिजिनल कंपनियां होती हैं, जेन्युइन कंपनियां होती हैं, वो एक भी पैसे की डिमांड नहीं करती हैं, ठीक है। और जो फेक कंपनियां होती हैं और जो फेक लोग होते हैं, ठीक है, वो पैसा मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर 10 कैंडिडेट से $100, $200 ले लिया, तो उनका अच्छा खासा बन गया, ठीक है। और ये कौन लोग हैं, ये नाइजीरिया, अफ्रीका से बहुत ऐसे लोग हैं जो बढ़िया इंग्लिश जानते हैं, और वो अमेरिका या फिर कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा लेके बैठे हुए हैं, और उन्हें पता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग एम्प्लॉयड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनका ओवरसीज का बहुत ज़्यादा सपना है, हर कोई चाहता है मैं कनाडा जाऊँ, हर कोई चाहता है मैं फिनलैंड जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ काम करने के लिए, ठीक है। और उन्हें ये भी पता है कि ये बहुत मोटी रकम तक पे कर देते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए, अमेरिका के भी 15 से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ठीक है, जो भारत, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग हैं, जो अपना घर खेत बेच के बड़े से बड़ा, ठीक है, अमाउंट पे कर देते हैं बहुत ही ईजी, ठीक है, कि हाँ उनको अमेरिका में जॉब मिल जाएगी तो वो इतना कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, फिर उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है, ठीक। तो किसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया वाले, इंडिया या फिर भारत या पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो मिले रहते हैं उनसे, और कुछ होते हैं जो वहीं से टोटल मिले रहते हैं। तो ये लोग एक ग्रुप बना के, ठीक है, एक ग्रुप बना के ये लोग भेजते हैं ऑफ़र लेटर, ठीक है, और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, और पब्लिक को परेशान करते हैं, जो लड़के अभी अभी स्टडी कंप्लीट करके बाहर निकले हैं उनको परेशान करते हैं, और उनसे ऑफर लेटर दिखा के उनसे पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी कोई भी ऑफर लेटर आता है, चाहे वो ओरिजिनल हो या फेक हो, उससे आप पूरी तरह से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद ही उस पर कोई डिसीजन लीजिए। और अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो वो समझ लीजिए पूरी तरह से फ्रॉड है, और उसको आप, मेरे हिसाब से तो उसको $1, $1 नहीं देना चाहिए। जिसको नौकरी देना होगा वो फ्री में देगा, ठीक है। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आप पता कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, वो एक भी पैसा नहीं लेती हैं। आपको अगर अप्लाई करना है, बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं, कतर एयरवेज़, ठीक है, वो सब कोई पैसा नहीं लेती हैं, फ्री अप्लीकेशन है, और आपको सारा प्रोसेस आपका फ्री में रहता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो पे कर दिया है वो कभी पे ना करें, ठीक है, और ऐसे स्कैम और फ्रॉड से बचें, ठीक है दोस्तों। और फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर कोई आपको इंक्वायरी करनी है वीज़ा के बारे में, या फिर कोई और क्वेश्चन जॉब के बारे में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, तो वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो वीडियो बनाया है वो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आप ऑफर लेटर से बच सकते हैं, आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।